हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्न फ्रैक्शन की तुलना करना सीखेंगे। आज गांव में एक प्रतियोगिता चल रही है। चाचा ने यहां एक आयताकार के क्षेत्र में कुल 36 कागज के टुकड़े बिखेरे हैं। प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगियों को एक मिनट का समय दिया जाएगा। जो प्रतियोगी सबसे ज्यादा कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखेगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा। प्रतियोगिता के संचालक बब्बन ने समय शुरू होने का संकेत दे दिया और सभी प्रतियोगी ने तेजी से कागज के टुकड़ों पर अपना अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। समय समाप्त हुआ और अब गिनती शुरू की गई है। गिनती करने पर पता चला कि कुल कागज के टुकड़ों के 1/3 हिस्सों पर गोलू का नाम लिखा है, 2/9 हिस्सों पर शेर खान का और 4/9 हिस्सों पर भोला का नाम लिखा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि प्रतियोगिता का विजेता कौन है? आइए पहले हम गोलू ने कितने कागज के टुकड़ों पर नाम लिखा है ये ढूंढें। गोलू का नाम 36 के 1/3 हिस्सों पर लिखा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ये कितने टुकड़े होंगे? यहां 3। ये संख्या हमें बताती है कि 36 को कितने बराबर भागों में बांटना है और 1 ये संख्या बताती है कि 3 भागों में से हमें 1 भाग लेना है। यहां 36 हमारा पूरा है। यदि हम 36 के 3 बराबर हिस्से करें तो हर हिस्से में कितने टुकड़े हुए? बिल्कुल ठीक, हर हिस्से में 36/3 बराबर 12 टुकड़े। इस तरह 36 का 1/3 हिस्सा हो गया 12। गोलू ने 12 कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा। अब शेर खान ने 36 के 2/9 हिस्सों पर अपना नाम लिखा है। क्या आप बता सकते हैं कि शेर खान ने कितने कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा है? क्या ये गोलू के लिखे टुकड़ों से कम है या ज्यादा? आप चाहे तो इस वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही तरह से सुलझाया है। 36 का 2/9 के लिए हम 36 को 9 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इस तरह हर हिस्से में 4 कागज के टुकड़े होंगे और 2/9 में हम इन 9 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से ले रहे हैं। इस भिन्न फ्रैक्शन के एक हिस्से में 4 कागज के टुकड़े हैं तो 2 हिस्सों में होंगे 4×2 = 8 कागज के टुकड़े। इस तरह 36 का 2/9 हो गया 8। शेर खान ने कुल 8 कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा है। गोलू ने 12 और शेर खान ने 8 कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा है, इसलिए गोलू ने शेर खान से ज्यादा कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा है। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि भिन्न 1/3 2/9 से बड़ा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि भोला ने कितने कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा है? क्या ये गोलू ने लिखे कागज के टुकड़ों से ज्यादा है या कम? आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। भोला ने 36 के 4/9 हिस्सों पर अपना नाम लिखा है। 36 का 4/9 के लिए हम 36 को 9 बराबर हिस्सों में बांटेंगे
इस तरह हर हिस्से में चार कागज के टुकड़े होंगे और 4/9 में हम इन 9 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से ले रहे हैं। इस भिन्न फ्रैक्शन के एक हिस्से में 4 कागज के टुकड़े हैं तो 4 हिस्सों में होंगे 4×4 16 कागज के टुकड़े। इस तरह 36 का 4/9 हो गया 16। भोला ने 16 और गोलू ने 12 कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा है, इसलिए भोला ने गोलू से ज्यादा कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा है। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि भिन्न 4/9 1/3 से बड़ा है। हम भोला, गोलू और शेर खान ने लिखे कागज के टुकड़ों के भिन्न इस तरह से लिख सकते हैं। आखिर भोला सबसे ज्यादा कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखकर प्रतियोगिता जीत गया। बच्चों, इस पाठ में हमने भिन्न के द्वारा हिस्सों की तुलना करना सीखा।